हेलो बच्चों, जब बच्चा ड्रॉप लेता है तो उसके दिमाग में एक फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन क्या होता है कि कैन आई गेट ए वेरी गुड रैंक इन ड्रॉप ईयर, और स्पेसिफिकली बोले कैन आई गेट ए रैंक अंडर 500 इन ड्रॉप ईयर। तो ये वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले जो बच्चा पूछेगा उसके दिमाग में शायद ये आएगा कि क्या रियली में 500 के अंदर रैंक लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है तो कैसे। तो इन शॉर्ट, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि क्या लाया जा सकता है, तो आई विल से डेफिनेटली लाया जा सकता है। कैसे? तो जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली एक लॉन्ग अफेयर है, जिसमें मतलब हमें बहुत दिनों तक लगातार सारी चीज़ें सही करनी पड़ती हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट भी करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से, और जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसको हमें सॉल्व भी करना पड़ता है। तो वो तो घंटों इस पे बात की जा सकती है, बट जो मेन मेन पॉइंट हैं वो हमें अपने जो दिमाग में रखने चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन हमेशा ऑन ट्रैक रहे, या फिर जो आगे आने वाली गलतियां हैं। मतलब मेरे को पढ़ाते हुए लगभग 20-22 साल हो गए हैं, तो जो मैंने पिछले 20-22 सालों में बच्चों को देखा है, जो अच्छी रैंक लाने वाले बच्चे हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और जिनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल होते हुए भी जो अच्छी रैंक नहीं ला पाए उन्होंने क्या क्या गलती की, उसको अगर मैं 4-5 पॉइंट में समराइज करना चाहूँ तो फिर आई विल से दिस जो अभी फॉलोइंग वीडियोज़ है। उसका मतलब ये है कि हमें क्या क्या चीज़ सही करना चाहिए, ऑफकोर्स ये हमें पता होना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये जानना कि क्या क्या चीज़ नहीं करना है। मतलब विच आई हैव सीन के बच्चे ने ये गलतियाँ की और उसका पोटेंशियल था 100 के अंदर आने का और वो चला गया 4000 रैंक पे। तो उसी के बारे में लेट्स डिस्कस। पहले तो आ जाते हैं हम डूज पे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर अच्छी प्रिपरेशन है, स्मूथ प्रिपरेशन है, टेंशन फ्री प्रिपरेशन है, तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से पहला है प्रॉपर इंस्टीट्यूट एंड गाइडेंस। अगर आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट या गाइडेंस नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आप ये मानो कि वो तुम्हें गलत डायरेक्शन में हो सकता है कि भेज दे। 1-2 महीने बाद तुम्हें रियलाइज़ हो, फिर जब कोर्स करेक्शन हम करें या फिर जब हम सही ट्रैक पे आने की कोशिश करें तो उसके बाद भी हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, बट जो तुम्हारा रियल पोटेंशियल है उसके हिसाब से हो सकता है कि हम रैंक में कन्वर्ट ना कर पाएँ। हो सकता है कि हमसे CA छूट जाए, हो सकता है हमसे मेन IIT छूट जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का है या हमारा पोटेंशियल किस लेवल का है, मेहनत करने की कितनी क्षमता है। तो इसलिए ब्लाइंडली हमें भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें आराम से बैठ के जो भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन हमने सॉर्ट आउट किया है कि इनमें से किसी एक जगह जाना चाहिए, उन पे आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से लॉजिकली सोचना चाहिए कि विच इज़ बेटर फॉर मी, कौन मेरे को बिल्कुल लास्ट रैंक तक ले जा सकता है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, ये ठीक है IIT JEE में तो आपको बताया कि लगभग 1% सक्सेस रेट होता है, मतलब 10 लाख बच्चे अगर दे रहे हैं तो 10,000 सीट्स के ऊपर दे आर फाइटिंग। तो जो भीड़ है, भीड़ तो बेसिकली उन्हीं बच्चों की है जो फेलियर होने वाले हैं। मतलब अगर हम NITs की सीट भी मिला दें तो 30-40 हज़ार तक हम बोल सकते हैं कि 10 लाख में से 30-40 हज़ार का चंक वो है कि जो सक्सेसफुल होगा इन गेटिंग ए रिस्पेक्टेबल सीट, और बाकी जो पीछे वाले बंदे हैं मतलब वो कहीं प्राइवेट कॉलेज में लेंगे या फिर हो सकता है वो अपना ट्रैक चेंज कर लें। तो जो भीड़ है, भीड़ मेंटेलिटी तो विल लीड यू टू द फेलियर। तो ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें लगे कि हाँ मेरे को भी इधर ही चलना चाहिए, इतने क्यों जा रहे हैं। क्योंकि अगर लॉजिकली हम सोचें तो जो जिन बच्चों को मतलब चटपटी बातें सुनने में मज़ा आता होगा, ये ठीक है, जो हार्डवर्क से दूर भागना चाहेंगे या फिर जो सपनों में जीना चाहेंगे, जिनको हार्डवर्क ना करना पड़े, ऐसा कोई बंदा अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको वो चीज़ अच्छी लगेंगी, बट उसका जो फल है वो 1 साल बाद दिखाई देगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप IIT JEE में जाने का सोच रहे हो तो यू शुड हैव ए लॉजिकल ब्रेन एंड यू शुड अंडरस्टैंड ये क्या चीज़ मेरे हित में है। आजकल इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है आराम से, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है और एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि कोई बच्चा जैसे सेलेक्ट हुआ वो बस तुरंत बताना आपको फंडे देना चालू कर देगा, कुछ बच्चे प्योरली अपनी फॉलोइंग के लिए वो बोलेंगे जो एक कामचोर बच्चा सुनना चाहता है, तो उसको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा मैं 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है आराम से, तो पूरे साल इसी खुश फहमी रहेगा और लास्ट में जाके उसको पता लगेगा कि उसके हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं, और अब वो मेहनत करना भी चाहे तो भी वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए वेल बिगन इज़ हाफ डन जो मुहावरा आया है वो यहीं से आया है कि हमें पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है,
एक बार जब हमने रिसर्च कर लिया और मेरे को लगता है यही करेक्ट पाथ है, फिर उसी को ब्लाइंडली फॉलो करें लास्ट तक। ऐसा ना हो कि बार बार हमें ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत पड़े, और स्पेशली जो टेम्पटेशंस हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये साल तो मान लो पूरा तुम्हारे तप का साल है कि हमें पूरे एक साल तक तप करना है अपने करियर के लिए, उसी के लिए हमें साधना करनी है, इस लेवल तक हमें सोचना चाहिए। तो पहला चीज़ तो है कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट या गाइडेंस सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़ आता है डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क। अगर आपको अपना पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज करना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो हमारे डे की वर्किंग है वो हाईली रोबोटिक टाइप होनी चाहिए। रोबोटिक बोल लो, मतलब रोबोटिक सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है, बट रोबोटिक का मतलब ये है कि अगर मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ तो डेली 4 बजे ही हमारी आँख खुलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी 4:15, इट शुड नॉट बी 3:30। ऐसे जिसे बोलते हैं ना कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, किसी दिन कभी उठ रहे हैं, किसी दिन कभी उठ रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे यू विल फाइंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और एक घंटे में ज़्यादा चीज़ कर पाओगे। अगर तुम्हारा इरेटिक रहेगा जो बिहेवियर है या जो पढ़ने का पैटर्न है तो तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी, इवन 50% तक भी रिड्यूस हो सकती है। अगर हमारे सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाना खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड, और उसको शुरू में अडॉप्ट करने में हो सकता है 15 दिन लगे, बट उसके बाद एवरीथिंग विल बी इनकोडेड इनटू योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी खुद ही आँख अपने आप खुल जाएंगे, हमें कभी भी अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें 10-15 दिन भी इसको फॉलो कर लिया तो। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई भी तुम्हें सब्ज बाग दिखा रहे कि ऐसे करने से भी हो जाता है, या तो मैंने तो 25 की बजाय 15 ही चैप्टर किए तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो आपको उल्लू बना रहा है। सीधी सीधी सी बात है, यू विल पे इन सम फॉर्म, या तो सिलेक्शन के टर्म्स में पे करोगे या फिर अपनी रैंक के टर्म्स में पे करोगे, या फिर जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो फुल्ली हो ही नहीं पाएगा, जिसे बोलते हैं फ्रूटिफाई नहीं हो पाएगा। हो सकता है मेरा पोटेंशियल हो सीएस रैंक लाने का और मैं सिविल पे अटक जाऊँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दैट यू हैव टू डू। एंड मोटा मोटा हम बोल सकते हैं एवरी डे यू हैव टू स्टडी 10 to 12 hours इंक्लूडिंग क्लासेस, इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन, कभी कभी हमने किसी ने बाहर से मोटिवेट कर दिया वेल एंड गुड, बट जो पूरे साल तुमसे मेहनत करवाएगा वो इंटरनल मोटिवेशन ही है। मतलब अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर से फायर लगी हुई है कि नहीं IIT में तो मेरे को जाना ही है, देन ओनली यू शुड गो ऑन दिस पाथ, देन ओनली स्पेक्टेकुलर सक्सेस तुम्हें मिलेगा। तो मोटिवेटेड रहना पूरे साल तक बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग शुरू में 10 दिन मेहनत कर लेते हैं, 25 दिन मेहनत कर लेते हैं, उनके बाद वो थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली तुम्हें एक साल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक साल है इसके ऊपर तुम्हारे आगे के 30-40 साल का कंफर्ट और जिसे बोलते हैं ग्लोरी, इसी पे डिपेंड करता है। इतना मेरे को अंदर तक पता होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट ईयर है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए सिंगल डे। फिर एक बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, अगर 500 के अंदर तुम्हें रैंक लाना है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी टेस्ट। जो जहाँ पे भी तुमने ज्वाइन किया है वो जितने भी टेस्ट दे रहे हैं वो सारे टेस्ट हमें देने चाहिए रेगुलरली। टेस्ट को एज ए फीडबैक मैकेनिज्म मेरे को यूज़ करना चाहिए कि वहाँ पे मैं गलतियाँ आइडेंटिफाई करूँ कि अच्छा मेरे से ये गलती होती है, उसको हम एलिमिनेट करें, तो अपने आप तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, 500 के अंदर रैंक लाने की प्रॉबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। एक टाइम टू टाइम रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर 2 टेस्ट के बीच में जितना टाइम मिलता है उसमें पूरे नोट्स का हमारी एक रीडिंग लग जानी चाहिए, ताकि चीज़ें मेरे ब्रेन में फ्रेश रहें, ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये मैंने कब पढ़ा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बी प्रैक्टिकल एंड प्रोएक्टिव। मतलब हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मान लें कोई सब्जेक्ट मेरा नीचे जा रहा है और मैं उसको इग्नोर करता जा रहा हूँ। यू शुड बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स। किसी भी रीजन से अगर कुछ भी दिक्कत है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, कोई आपके लिए आके वो स्टेप्स नहीं लेगा। या फिर ये एक बीमारी की तरह, जितना तुम डिले करोगे उतना ही वो सीवियर होता चला जाएगा, उतना ही उससे बाहर आना डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। दिस आई शुड अंडरस्टैंड एंड उसी के लिए काम करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल होने का मतलब एक ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ना एकदम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। मतलब पहला चैप्टर पढ़ा वो बोले कि दुनिया का मेरे से हर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसे करने जाओगे तो हो सकता है कि तुम बहुत पीछे रह जाओगे, ये ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाए और सारी प्रिपरेशन डिरेल हो जाए। तो एक प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है कि दीज मैनी क्वेश्चन वन शुड डू टू गेट ए गुड रैंक। तो पहले हम वो करें, वो इंश्योर करें कि तीनों सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर तो जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा है, बट परफेक्शन लाने की कोशिश ना करें, उसे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन डिरेल होते हुए मैंने देखा है। ये तो हमारी हो गई डूज की बात।
इक्वली इंपॉर्टेंट और रादर मोर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डोंट्स। तो प्रिपरेशन का सबसे बड़ा मंत्रा क्या है कि अगर मेरे को कोई पैरामीटर दिया जाए कि किस पैरामीटर से मैं नापूं कि मेरी प्रिपरेशन सही चली है, तो वो है बैकलॉग। हमें जहाँ पे भी तो आपने एडमिशन लिया है, जिस भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे एडमिशन लिया है, यू शुड मेक श्योर कि कोर्स के साथ ही आपकी प्रोग्रेस चल रही है, पीछे नहीं चल रहे किसी भी रीजन से ना। बैकलॉग अगर आपने एक बार हो गया तो फिर वो स्पाइरल है, वो आपको नीचे ले जाता ही चला जाएगा। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस कि हमारा बैकलॉग ना हो, हम अप टू डेट रहें। भले ही अगर हमें 100 क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है, मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए, और मेरे 50 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ फाइन, बट हमारा चैप्टर पीछे नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर की बुक्स और मटेरियल चेज करते हुए रह जाते हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि इतने सारे क्वेश्चन तो इन्फाइनाइट है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक प्रॉपर गाइडेंस या इंस्टीट्यूट अगर आपने चूज़ किया है, उनका जो मटेरियल है वही करें, इधर उधर से बुक ना ढूंढने की कोशिश करें। जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनसे ज़्यादा आप दिमागदार नहीं हो सकते, उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं हो सकती किसी भी सब्जेक्ट की ना, कि क्वेश्चन कहाँ से छाटने चाहिए। आपको जो सोर्स पता होगा उनको भी पता होगा, ये श्योर बात है। आप तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप तो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, बट टीचर्स हो सकता है कि वो डिकेड से सेम चीज़ पढ़ा रहे हों, तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, उनके पास बहुत सारा टाइम होगा इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए। तो इसलिए जब आपने एक बार इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया तो उस पर फेथ रखें और उसी के साथ चलें, वही मटेरियल करें जो वो दे रहे हैं। वो मटेरियल खत्म हो जाता है, टाइम बचता है, तो फिर अपने टीचर से पूछेंगे सर मैं और कहाँ से करूँ, रादर देन टेलीग्राम पे या इधर उधर मटेरियल ढूंढने के। ये एक बहुत बड़ी रेसिपी है अपने प्रिपरेशन को बर्बाद करने का। फिर एक भैया कल्चर आजकल चल गया है, जैसे कुछ बच्चे फ्रेशली सेलेक्ट होकर वो अगले साल से ही ज्ञान देना चालू कर देते हो, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को आकर्षण भी होता है कि अरे ये तो भैया मेरे सेलेक्ट हुए हैं, इन्होंने तो ये टिप्स दिए। बट जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो रियली में सेलेक्ट होने वाला होता है, उसको ये पता है कि भाई सेलेक्ट तो हर साल 10,000 बच्चे हो रहे हैं, ये ठीक है, बट जो टीचर है या जो बच्चा एक सेलेक्ट हो रहा है उसके पास डेटा सेट क्या है एनालिसिस करने का, उसके पास बहुत ही लिमिटेड डेटा पॉइंट्स है एनालिसिस करने का। ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है, उसका या तो अपना एग्जाम्पल हो गया, 2-3 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल होगा, मैक्सिमम ये होगा। बट जो एक टीचर है, टीचर के पास हजारों 10-20 हज़ार का डेटा पॉइंट होगा कि इसने ऐसे किया था, ये हुआ था, इसने ये किया था, ये हुआ था, इसने ये गलती की थी, ये हुआ था। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसको बीट नहीं कर सकते हैं जो भी ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे हैं। किसी मैं मतलब ये नहीं बोलूँगा कि सभी दृग भ्रमित करेंगे, बट आई कैन टेल यू नॉन पॉलिटिकल होते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उसमें केवल जैसे बोलते हैं क्राउड गैदरिंग के लिए ही वो बातें बोलेंगे, उनको आधा चीज़ उनको भी नहीं पता होगा उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, दिस इज़ फॉर श्योर। कुछ बच्चे हो भी सकता है जेन्युइन हो, तो उनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। अगर आपने कहीं प्रॉपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है, वहाँ से गाइडेंस है, तो उससे बेटर गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगा, उससे बेटर बस डिस्ट्रैक्शन ही मिलेगा। आप अगर बाहर जाके ढूंढोगे ना कि मैं क्या करूं कैसे करूं, तो डिस्ट्रैक्शन ही मिलेगा, उससे प्रिपरेशन आपकी डिरेल ही होगी। तो बिवेयर ऑफ दिस। एक ये भी है कि मान लिया मेरे को दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा वीक है, किसी भी तरीके की मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या फिर मैं मान लिया स्पीड मेरी अच्छी नहीं है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, तो बच्चे में बहुत सारे बच्चों में एक लेथार्जी होती है करेक्टिव एक्शन लेने की। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है तो यू आर सपोज टू वर्क अपॉन इट, और जितना जल्दी उस पर काम करोगे उतना ही जल्दी तुम्हें फ़ायदा होगा, ये हमें समझ में आना चाहिए, उतना ही जल्दी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो चीज़ों को इग्नोर ना करें, कुछ ना कुछ उसके ऊपर करेक्टिव मेजर लें। अगर तुम्हें नहीं पता कि करेक्टिव मेजर क्या है तो अपने टीचर से कंसल्ट करें, दे विल गाइड यू प्रॉपरली। एंड लास्ट थिंग इज सर्चिंग फॉर शॉर्टकट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो सोचेंगे कि इस चीज़ का शॉर्टकट क्या है। मतलब कोई बच्चा ये बोलता है कि ये लेक्चर तो ये चैप्टर तो 20 घंटे लग रहे हैं, क्या मैं इसको 2 घंटे में कर सकता हूँ? तो इतना दिमाग तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए कि 20 घंटे और 2 घंटे में जो 20 घंटे वाली बात है वो कभी भी 2 घंटे में नहीं आएगी। 2 आवर्स में अगर कोई कोर्स कंप्लीट कर रहा है तो देट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली। तो अगर आपने अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो इस बात की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्यों टाइम वेस्ट करो, क्यों लास्ट टाइम में जाके हम लास्ट के 2 महीने सोचें, लास्ट के 2 महीने में जगें और फिर बोलें कि अब मैं कोर्स कैसे खत्म करूं। अभी से मेहनत करते हुए चलो। जो सेम IQ के बंदे हैं, अगर एक बच्चा प्रॉपरली आराम से सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहा है और दूसरा बिल्कुल लास्ट में जल्दी जल्दी जाके पढ़ेगा, तो जो सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहा है डेफिनेटली उसकी रैंक कई गुना अच्छी आएगी। ये हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट इज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइज, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो इसी के साथ आई होप जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर कर लिए होंगे, और
यू विल बी फॉलोइंग इट, और जो भी आपका पोटेंशियल है दैट यू विल रियलाइज इन टर्म्स ऑफ रैंक. सो ऑल द वेरी बेस्ट. इस चैनल पे वी विल कीप ब्रिंगिंग दीज काइंड ऑफ गाइडेंस वीडियो फॉर JEE 2024 एंड JEE 2025. सो स्टे ट्यून्ड. ऑल द वेरी बेस्ट.